तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद करते हैं काफ़ी अच्छे होंगे। और अभी जो मैच कवर कर रहा है आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर ए का जो दोस्तों 9th मैच कवर कर रहा है, SMO वर्सेस VN के बीच में दोस्तों ये मैच खेला जाएगा। और इस सीरीज़ का ये 9th मैच जो कि आपको मॉर्निंग के 4 बजे करीब में स्टार्ट हो रहा है। और इस मैच का आप सभी को एक एक प्लेयर्स के बारे में फुल स्टार्ट प्लस इन्फो देंगे और मैच प्रिडिक्शन के बारे में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। ज़्यादातर आप सब मैनेजर और ग्राइंडिंग पर ही फोकस कीजिए। देखो लेट नाइट ये मैच स्टार्ट हो रहा है, तो फिर देखो मैच टाइम अगर लाने के बाद एक्टिव रहना तो ही आप सब इस मैच में स्मॉलिंग में इन्वेस्टमेंट करना, अदरवाइज़ आप सब ग्रैंडली खेल सकते हो। तो इस वीडियो में आपको हम जानेंगे क्या कुछ हमारे स्मॉली की टीम से रहेंगे, क्या कुछ हमारे ग्रैंडली के ट्रम्प प्लेयर्स जो कि एज ए कैप्टन और वाइस कैप्टन के भी डिफॉल्ट रहेंगे। वैसे भी हमने ऐसा दोनों ही टीमों की ओर से काफ़ी सारे एनालिसिस करने के बाद आपको यहाँ पर लो सिलेक्शन परसेंटेज वाले प्लेयर्स देखने को मिलेंगे जो स्मॉली के साथ साथ ग्रैंडलीग्स भी विन करा कर देंगे दोस्तों। तो आप सब इस वीडियो को बिना स्किप के एंड तक देखना जरूर दोस्तों। सबसे पहले अगर आप सब अगर मेरे यूट्यूब चैनल पर अगर नए हो तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस कर दीजिएगा ताकि दोस्तों आने वाली हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक मिलेंगे जरूर। वैसे भी आप सभी लोगों का प्यार और समर्थन मिलता रहता है तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। बाकी दोस्तों चलते हैं मैच प्रेडिक्शन के बारे में डिटेल्स में डिस्कस कर लेते हैं। और भाइयों सबसे पहले तो आप सभी लोग देख रहे हो फैंटेसी क्रिक फैन का टेलीग्राम चैनल को, जहाँ पे जुड़ना आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। और जो लोग अभी तक हमारे चैनल से जुड़े नहीं हैं तो शायद बहुत कुछ मिस करो। और इस मैच की फाइनल और एक विनिंग टीम आपको टेलीग्राम चैनल पर अपडेट करेंगे। और जुड़ने के लिए देखो आप सभी को करना क्या रहेगा, जो आप मेरी वीडियो देख रहे हो अगर आप इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करोगे तो नीचे मैंने आपको लिंक दे दिया हूँ। और जैसे ही लिंक पर क्लिक करोगे डायरेक्टली आप सब हमारे टेलीग्राम चैनल पर ही जुड़ोगे। और लिंक के थ्रू इसलिए जुड़ना ताकि हमारे रियल चैनल पर जुड़ो, क्योंकि ऑलरेडी हमारे नाम से काफ़ी सारे फेक सब्सक्राइबर्स वाले चैनल भी है जहाँ पे लोग इसे पैटिंग बेच रहे। तो रियल चैनल का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, ज्वाइन करके सिर्फ लास्ट मिनट तक हमारे चैनल पर एक्टिव रहिएगा। बाकी दोस्तों चलते हैं प्लेयर प्रेडिक्शन के बारे में डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। बाकी ज्वाइन करके सिर्फ लास्ट मिनट तक एक्टिव रहना जरूर। तो दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे इनके मैच इन्फो के बारे में। मैच आईसीसी मैच T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर ए का यह 9th मैच जो कवर करें आपको मॉर्निंग के 4 बजे करीब में स्टार्ट होता हुआ देखने को मिलेंगे। जो वेन्यू है वनवातो क्रिकेट क्लब ग्राउंड पर यह मैच हो रहा है, जो कि इससे पहले के बाकी के सारे मैचेस इसी ग्राउंड पे ही खेलेगा। और इनका जो एवरेज स्कोर 120-140 के बीच में ही आपको देखने को मिलेंगे। और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। और जो लोग भी अभी तक नहीं जुड़े तो फिर जल्दी से ज्वाइन कर लो, क्योंकि इस मैच की फाइनल और एक विनिंग टीम आपको टेलीग्राम चैनल पर जुड़े टेलीग्राम चैनल पर अपडेट करेंगे। तो जुड़ने के लिए वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगा, तो जुड़िएगा ज़रूर। बाकी एक तरह से अगर हम इनकी पिच रिपोर्ट की बात करें तो पिच आपको एज अ बैलेंसड ही देखने को मिलेंगे। बैट्समैन और बॉलर्स दोनों का रोल ठीक ठाक रहेगा। रिसेंट के मैच में एज अ पेसर्स को थोड़ी बहुत हेल्प मिले हैं और कहीं ना कहीं पेसर्स इस मैच के इंपॉर्टेंट रहेंगे भी। इनका जो वेन्यू स्कोरिंग पैटर्न है, बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम ने 8 बार विन के, बॉलिंग फर्स्ट करने वाली टीम 10 बार विन करके आ रही। सबसे पहले जानेंगे VN के जो टीम है इनके प्रोबेबल लाइनअप विद बैटिंग ऑर्डर रिसेंट फॉर्म के बारे में। तो सबसे पहले देखो इनकी टीम ने इस सीरीज के अंदर 4 मैचेस खेली हुई है, 3 मुकाबले 1, 1 मैचेस इन्होंने लॉस किया। और इनकी टीम की ओर से जूनियर नजर आएंगे जो ओपनिंग बैटिंग करे। रिसेंट के पारियों में देखो तो जिन्होंने 14, उसके बाद 35, 7 और 30 का स्कोर शामिल है। टीम की ओर से ओपनिंग बैटिंग एज अ कंसिस्टेंट बैट्समैन रहेंगे, जो आप सभी को एज अ प्लेयर स्मॉलिंग में पिक करके चलना चाहिए। देखो ग्रैंड लीग वगैरह खेल रहे हो तो फिर वहाँ पर आप इन्हें कैप्टन वगैरह करना, बाकी स्मॉलिंग इन्वेस्ट किए तो फिर एज अ प्लेयर इनको पिक करके जा रहे हैं। उसके बाद आपके पास उसके बाद आपको यहाँ पर वामजीवन नजर आएंगे, जो कि देखो ये राइट हैंडर बैट्समैन रहेंगे। T20 अगर हम इनका रिसेंट के 3 मैचेस देखें तो पहले मैच में इन्होंने 2 विकेटें निकाले, उसके बाद 0 विकेटें। रिसेंट के मैच में 24 का स्कोर के एक टीम के मेन ऑलराउंडर कह सकते हो। देखो इन्होंने स्टार्टिंग के जो 2 मैचेस खेले ना वहाँ पर इन्होंने बैटिंग कराया नहीं, पर इन्होंने 7 से 8 नंबर पर इनकी बैटिंग ऑर्डर दी। और इन्होंने सिर्फ एज अ बॉल नहीं कराया जहाँ पर इन्होंने 2 विकेटें निकाले हुए, तो इस तरह से इनकी बैटिंग एवरेज ठीक ठाक रहेगा। देखो ये कभी कभार ये आपको बॉलिंग भी करा कर देंगे तो कहीं ना कहीं इस मैच के एक सेफ ऑप्शंस रहेंगे। तो फिलहाल एज अ प्लेयर इनको पिक करके जाना। ग्रैंड लीग्स वगैरह खेलना तो फिर वहाँ पर कैप्टन वगैरह भी कर सकते हो। पार्ट्रिक टीम की मेन एक टीम के ऑलराउंडर है, जो कि स्मॉल लीग भी खेलो तो कैप्टन करो। और मिनी जेल ग्रैंड लीग से भी 7 से 8 टीम इन कैप्टन और वाइस कैप्टन करके जा सकते हो। रिसेंट के पारियों में 27 का स्कोर प्लस 1 विकेट, उसके बाद 9 का स्कोर प्लस 1 विकेट। इस तरह से इनकी हर एक मैच में एज अ बैटिंग और बॉलिंग दोनों से ही एवरेज फॉर्म ठीक ठाक ही देखने को मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं इस मैच में जब प्लेयर के साथ साथ ग्रैंड लीग्स में कैप्टन और वाइस कप्तान करना जरूर। एलन की बात करें तो विकेट कीपनिंग कराते हैं राइट हैंडर बैट्समैन। रिसेंट के 3 पारियों में 30, 21 और 1 का स्कोर भी शामिल है। तो खास कर इनकी टीम पहले से बैटिंग करती है तो फिर अगर आप सब चाहो तो जब प्लेयर इनको पिक करके जा सकते हो। या टॉस के बाद में पूरी अपडेट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर देंगे। एंड्रू ने भी रिसेंट के 3 मैच में 57, 53 और 38 का स्कोर भी देखने को मिले थे। जब बैटिंग से एवरेज फॉर्म इनका भी ठीक ठाक ही है तो कहीं ना कहीं देखो इन दोनों में से किसी एक को ही पिक करना। अगर इनकी टीम पहले बैटिंग कर तो फिर रिस्क लेना होगा, तो फिर दोनों के साथ भी
जा सकते हो। जोशुआ की बात करें तो देखो इनकी टीम ऐसे बॉलिंग से ही ठीक ठाक है, और इन्होंने रिसेंट के मैच में देखो तो पहले मुकाबले 2 विकेटें 2 विकेटें 2 विकेटें इस तरह से जब विकेट टेकर्स ठीक ठाक रहेंगे, और कहीं ना कहीं बैटिंग से भी एवरेज फॉर्म बेहतरीन ही है, तो टीम के एक मेन ऑनर रहेंगे जो कि स्मॉलिंग में एज अ प्लेयर एंड मिनीजल कैप्टन और वाइस कैप्टन करेंगे। उसके बाद रोनाल्डो और यहाँ पर जो जोसेफ है, ये दोनों ही ऑप्शन ग्रैंडली के डिफॉल्ट रहेंगे। देखो जोसेफ इस मैच के टीम के एज अ मेन बॉलर है, जो रिसेंट के पारियों में इन्होंने 2 विकेटें निकाले, 4 ओवर के बॉलिंग कराए, लेफ्ट हैंड ऑर्थोडॉक्स बॉलर है, और कहीं ना कहीं स्मॉलिंग में पिक करना अगर इनकी टीम पहले से बॉलिंग कराती है तो, और मिनीजल ग्रैंडिक्स में कैप्टन वगैरह भी कर सकते हो। उसके बाद स्टेपन और यहाँ पर विलियम्स में से किसी एक को ही पिक करेंगे। देखो अगर आप सब चाहो तो आज नलेजा के साथ जाना, जो कि एक तरह से देखें तो इन्होंने रिसेंट के अगर जितने भी मैचेस अपने खेले हुए हर एक मैच में 1-2 विकेटें निकाले, जो जित के भी बॉलिंग कराते, तो स्टेपन या फिर इन दोनों में से किसी एक को पिक करके जाओ। अब देखो टॉस के बाद जो भी हमारी फाइनल और एक विनिंग टीम रहेंगी, इसके अपडेट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर देंगे, और इसलिए बोल रहे हैं कि हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, क्योंकि जो भी मेरी फाइनल और एक विनिंग टीम रहेंगी टॉस और बैटिंग ऑर्डर के बाद इसके अपडेट्स टेलीग्राम चैनल पर देंगे। बेंच से कोई भी प्लेयर खेलेगा तो मैं इसके अपडेट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर अपडेट करूंगा, तो वहां पर आप सभी लोग लास्ट मिनट तक एक्टिव रहना। बाकी दोस्तों यहां पर जो SMO की टीम है, इनके प्रोबेबल लाइनअप विद बैटिंग ऑर्डर के बात करें तो इनकी टीम ने सीरीज के अंदर 4 मैचेस 1 मुकाबले 1 3 मैचेस लॉस किए, तो इनकी टीम की ओर से लगा कुछ खास बेहतरीन फॉर्म नहीं, भी कीपनिंग रहते रिजेंट के 3 मैच लगातार ये फ्लॉप ही गए। तो ग्रैंड लीग्स वगैरह में रखेंगे, देखो कटर भी इस मैच के जो ओपनर बैट्समैन रहेंगे, जो रिसेंट के बारे में 0-19, 4-46 का स्कोर शामिल है, हालांकि इन दोनों में से किसी एक को ही पिक करना। डोनमिक की बात करें तो रिसेंट के मैच में इन्होंने बॉलिंग विद बैटिंग दोनों ही कराए, और बैटिंग विद बॉलिंग दोनों से ही काफ़ी एक कंसिस्टेंसी बैट्समैन, और बॉलिंग से भी ठीक ठाक ही फॉर्म है। रिसेंट के पारियों में देखो तो इन्होंने 2 विकेटें निकाले, 4 ओवर के बॉलिंग का 32 का स्कोर भी शामिल था, इससे पहले 63-54 का भी स्कोर शामिल है। तो कहीं ना कहीं देखो स्मॉलिंग में भी चाहो तो इन्हें कैप्टन और वाइस कैप्टन कर सकते हो, बाकी ग्रैंड लीग्स वगैरह में भी पिक करके चलना। उसके बाद एंड्रयू मिचेल रिसेंट के पारियों में इन्होंने 4 मैचेस खेले, देखो इन्होंने स्टार्टिंग के मैचेस में फ्लॉप गए, उसके बाद 12 का स्कोर 0 विकेट, उसके बाद 16 का स्कोर +1 विकेट, 17 का स्कोर 1 विकेट, इस तरह से इन्होंने हर एक मैच में बॉलिंग विद बैटिंग दोनों ही कराए, हालांकि 2 से 3 ओवर ही बॉलिंग कराते हैं, और कहीं ना कहीं टीम के एक मेन ऑलराउंडर रहेंगे जो आप सभी को एज अ प्लेयर पिक करना चाहिए। उसके बाद प्रीति ग्रैंड लीग के डिफॉल्ट ऑप्शन प्रीति को ग्रैंड लीग में ही रखेंगे। उसके बाद देखो यहाँ पर 16 की बात करें तो रिसेंट के 3-4 पारियों में इन्होंने पहले मैचेस 3 विकेटें 1 विकेटें 1 विकेटें 0 विकेटें, तो अगर इनकी टीम अगर पहले बॉलिंग कराती है तो फिर अगर रिस्क लेना हो तो फिर स्मॉलिंग पिक करके जाओ, टीम के मेन बॉलर्स रहेंगे जो आप सभी को रिस्क लेना चाहिए। उसके बाद ये जो है ग्रैंड लीग वगैरह का डिफॉल्ट रहेंगे। अब देखो जो हमारे पास टीम के मेन बॉलर्स रहेंगे, दो ही आपको देखने को मिलेंगे, या फिर किरण जमात जसमत के साथ जाओ, जो रिसेंट के मैच में 1 विकेट 1 विकेट देखो 4 ओवर कन्फर्म बॉलिंग डालेंगे, बाकी यहाँ पर किसी का भी कुछ भी बेहतरीन स्टार्ट्स वगैरह है नहीं। आप रिसेंट के मैच यहाँ पर करियर स्टार्ट्स भी देख सकते हो, आपको पूरे स्टार्ट्स मेंशन किए हुए हैं। फिलहाल दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना, क्योंकि इस मैच की फाइनल और एक विनिंग टीम आपको टेलीग्राम चैनल पर अपडेट करेंगे, और जुड़ने के लिए तो इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जुड़िएगा जरूर। बाकी चलते हैं अपने ड्रीम इलेवन टीम देख लेते हैं, और सबसे पहले हम बात करेंगे जो यहाँ पर VN की टीम है, इनके प्रोबेबल लाइनअप विद बैटिंग ऑर्डर के बारे में। तो सबसे पहले इनके विकेट कीपिंग से स्टार्ट करेंगे, तो आपको यहाँ पर एलन नजर आएंगे जो टीम के मेन बैट्समैन रहेंगे, विकेट कीपिंग से सेफ ऑप्शन तो फिलहाल इनको पिक करके जा रहे हैं, और निपिको खेलेंगे भी, तो आप सभी के लिए सेफ ऑप्शन में इनके अपडेट टेलीग्राम चैनल पर देंगे। फिलहाल जूनियर को पिक करके जा रहे हैं, वन डाउन बैट्समैन अपनी टीम की ओर से, बैटरिंग टीम की मेन ऑलराउंडर यहाँ से इनके मेन बैट्समैन को पिक कर रहे हैं। उसके बाद देखो यहाँ पर हमारे पास जो टीम के मेन बॉलर्स है ना, स्टेपन या फिर एक तरह से देखें तो जो यहाँ पर रेयर ने भी लास्ट के मैच में काफ़ी बढ़िया बॉलिंग कराया, जोसेफ इस मैच के सेफ ऑप्शन है, तो आप सब अपने रिस्क अनुसार टीम में चेंजेस करना। फिलहाल ऐसे उम्र कोर्स अगर हम इनकी विकेट कीपिंग से किसी का भी कुछ भी बेहतरीन स्टार्ट नहीं है, तो अभी यहाँ से हम किसी को रखें नहीं, इनकी जो बैटिंग है हमारे लिए सेफ है, और इनकी ऑलराउंडर सेक्शन भी हमारे लिए ऐसे सेफ ही है। फिलहाल दोस्तों सेम टीम के साथ इन्वेस्टमेंट करें। अब देखो जो भी हमारी फाइनल और एक विनिंग टीम रहेंगी टॉस और बैटिंग ऑर्डर के बाद इसके अपडेट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर देंगे। मिचेल एजा वाइस कप्तान के सेफ रहेंगे, इनके शिवा अगर आप सब चाहो तो रिस्क ले पाओ तो फिर आप यहाँ पर जोशुआ के साथ भी अपने स्मॉलिंग में वाइस कप्तान इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो फिलहाल दोस्तों सेम टीम के साथ इन्वेस्टमेंट करें, पर फाइनल और एक विनिंग टीम के लिए लास्ट मिनट तक हमारे टेलीग्राम चैनल पर एक्टिव रहना, जुड़ने के लिए इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगा, तो हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन करना। फिलहाल दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नेक्स्ट मैचेस के प्रेडिक्शन के साथ, तो फाइनल टीम के लिए लास्ट मिनट तक हमारे चैनल पर एक्टिव रहिएगा जरूर।